सो गाइस, आज सुबह सुबह ना न्यू सीजन आ चुका था, टियर रिसेट हो चुका था। उससे पहले गाइस यहाँ पे मैं कलेक्ट कर लेता हूँ रिवॉर्ड्स जो पिछले सीजन जिन लोगों ने भी कॉन्कर लगाया था उन लोगों को यार टाइटल एंड ये तो आपको पता ही होगा कि ये टियर रिसेट हो चुका है उन सभी का। तो गाइस अब यहाँ पे मेरा प्लैटिनम 1 हो चुका है एंड गाइस मैं पिछले कुछ सीजन से मैं रैंक पुश कर रहा हूँ। लाइक टोटल मैंने अभी तक 14 टाइम कॉन्कर कर चुका हूँ। सीजन 14 से बैक टू बैक मैं सोलो में कॉन्कर रैंक पुश कर रहा हूँ। तो यार जितना भी एक्सपीरियंस है इस वाली वीडियो में अपन शेयर करने वाले, क्योंकि यार आज है ना थोड़ा टिप्स बनता है प्लैटिनम टू कॉन्कर पुश करने के लिए। पूरी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कैसे क्या क्या करना है। यार इस वीडियो को पूरी देखना, उससे पहले वीडियो पर एक लाइक तो बनता है एंड चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यार अपन है ना अभी फिर से आ चुके हैं एंड काफी टाइम बाद बूम बाम फिर से करेंगे, क्योंकि न्यू सीजन का जो एक्साइटमेंट होता है ना गाइस वो बहुत नेक्स्ट लेवल का होता है। और गाइस अब मजा आने वाली है क्योंकि न्यू सीजन आ चुका है और आज का पहला दिन है। सो गाइस सबसे पहले बात कर ले अपनी पहली टिप। तो सबसे पहले देखो यार आपको पता ही होगा कि यार अभी के टाइम पे सभी लोग का टियर लो हो चुका है। लाइक सभी का रिसेट होने के बाद में ज्यादा ज्यादा हाईएस्ट टियर होता है प्लैटिनम 1 एंड आपका टियर अगर लो भी है तो ज्यादा से ज्यादा आपका टियर होगा लाइक गोल्ड या फिर सिल्वर होगा, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपका रैंक पुश करने का इरादा है इस सीजन एंड प्लैटिनम टू कॉन्कर पुश कर रहे हो या फिर गोल्ड टू कॉन्कर पुश कर रहे हो या फिर सिल्वर टू कॉन्कर पुश कर रहे हो, नो प्रॉब्लम गाइस। बस आपका जो 6 घंटे का फंडा है ना उसको सही तरीके से लाइक आपको पता होना चाहिए कि कैसे स्पेंड करना है एंड आप लोगों ने इससे पहले रैंक पुश किया तो आपको एक्सपीरियंस होगा। एंड गाइस यहाँ पे ना सबसे पहले बता दूं कि इवेंट पे आप लैंड कर रहे हो रिकॉल उठाकर आप जा सकते हो, बट अगर आपको किल्स निकालने हैं तो ये वाला बेस्ट रहेगा। यहाँ पे आप हॉल ड्रॉप लोगे, डायरेक्टली गन मिली तो अच्छी बात है, अदरवाइज यार मेरे जैसा सीन होने वाला है। अब देखो गाइस क्या होता है, यहाँ पे मैं लैंड करता हूँ, बंदे काफी थे एंड मेरी स्क्रीन पे ये वाला फंडा आ जाता है एंड गन सामने थी। और गाइस जब तक मैं कैंसिल करता हूँ समझता हूँ ना तब तक भाई बंदे ने मुझे भर दिया था, कोई बात नहीं यहाँ पे तो अपनी पेड़ी बन जाती है। एंड गाइस अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है लाइक आप इवेंट पे लैंड किए एंड आप मर गए, तो वहाँ पे ना कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत गुस्सा आता है, दिल करता है हॉट ड्रॉप लूँ ऐसी जगह पे लैंड करूँ फिर से जाकर इवेंट पे या फिर कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे लैंड करूँ जहाँ पे यार बंदे मिले बस मारूँ ढूंढ कर। तो यह गलती यार आप लोगों ने नहीं करना है, क्योंकि आपको ना पेशेंस से खेलना पड़ेगा। एक मौका मिलता है किल्स निकालने का, अगर वो मौका मिल गया लाइक वहाँ पे अपने किल्स निकाल लिया तो अच्छी बात है, और किल्स नहीं निकला लाइक मैं जैसे मर गया वहाँ पे तो मैं यहाँ पे ना साइड में आया हूँ बट यहाँ पे थोड़ा सा ना मुझे लूट चाहिए था, लूट उठा के कल्टी मारूंगा मैं यहाँ से, ऐसा मेरी स्ट्रैटेजी थी। एंड यही करना गाइस आपको भी, अगर आपको लाइक किल्स मिल जाते तो अच्छी बात है और अदरवाइज यार आप है ना वहाँ से निकल लो। तो यहाँ पे अब ऐसे करके आपको खेलना है। एंड गाइस देखो 6 घंटे का जो फंडा है ना ये बहुत बेसिक है यार, आपको पता ही होगा और नहीं भी पता है तो चलो बता देता हूँ। 6 घंटे आपके पास है, आप उसको पूरे दिन में कैसे भी स्पेंड करो वो मैटर नहीं करता है, बट अगर आप नॉनस्टॉप 4 घंटे या 6 घंटे खेल रहे हो तो सच बताओ तो यार आप है ना कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होकर यार नॉन स्टॉप आप खेले जा रहे हो आपकी गेम अच्छी नहीं जाएंगे। बट अगर आप गेम लाइक गेम के बीच में थोड़ा सा गैप लेते हो लाइक 2 घंटे आपने खेला, 3-4 मैचेस अच्छे खेले और खराब गए जैसा भी गया हो, बस आपको ना बीच में थोड़ा सा गैप लेना है। गैप भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, 30 मिनट्स को भी मिनिमम ले सकते हो आराम से, या फिर कोई भी काम अपना निपटा कर फिर से आओ एंड फिर से कम बैक करो, ऐसे कर करके आप ना आपका 6 घंटा लाइक स्पेंड कर लो। अब इसके वास्ते गाइस मैटर करती है आपकी टाइमिंग, कौन से टाइम पर आप रैंक पुश कर रहे हो, क्या सुबह सुबह खेलना अच्छा रहेगा लाइक प्लस आपको मिलेगा, लॉबी कैसे आएगी आपको आइडिया नहीं होगा तो यार बता दो। सुबह सुबह ना काफी लोग है ना आराम से लाइक उठते हैं एंड सुबह सुबह आपका हाथ भी गर्म नहीं रहेगा, तो मुझे नहीं लगता कि सुबह सुबह आपको उठकर लाइक रैंक पुश करना है जाना है, ऐसा कोई शॉट नहीं है आपको ना दोपहर के बाद से लॉबी अच्छी आनी लाइक मिल जाएगी। एंड टाइम लिमिट जो है ना वो दोपहर के टाइम पर यार स्पेंड करो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा एंड इवनिंग के 10 बजे या फिर रात के 12-1 बजे तक उससे ज़्यादा वेट मत करना गाइस, उससे ज़्यादा टाइम लिमिट बचा के मत रखना, उसके बाद से तो लॉबी आपको बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, क्योंकि काफ़ी लोग हैं ना खेल के दोपहर के टाइम तक या फिर शाम तक ही वो लोग अपना टाइम लिमिट यूज़ करके खत्म कर देंगे। तो हो सके तो दोपहर से स्टार्ट करो एंड इवनिंग के रात के 10 या 12 बजे तक भी करोगे रैंक पुश तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस बीच में थोड़ा सा गैप लेकर खेलना है, ऐसा ऐसा कर करके खेलो। एंड देखो गाइस अगर आपका गेम अच्छा नहीं जा रहा तो फ्रस्ट्रेट नहीं होने का एंड वहाँ पे यार -1 लग जाता है तो डिमोटिवेट होकर छोड़ना नहीं है। अब मुझे यहाँ पे फुस्टे पा रहे थे तो मुझे लगता है इस कंपाउंड में बंदा होगा, लेकिन गाइस बंदा था, इस बोट को मैं मार कर यहाँ पे 2 किल्स कर लेता हूँ। अब गाइस यार आपको भी पता है कि न्यू सीजन आया हुआ है तो अभी स्टार्टिंग के 1-3 दिन तक तो यार लॉबी आपको एक लॉबी सस्ती सी मिलेगी लाइक वहाँ पे ज़्यादा बंदे अलाइव नहीं रहेंगे, बट यहाँ पे ना आप ये मत सोचना कि आगे जाके आपको लॉबी नहीं मिलेगी, जैसे जैसे लोगों का टियर हाई होगा ना फिर वो लोग ऐसे वैसे होल्ड करके खेलना स्टार्ट कर देंगे। एंड गाइस मैं सच बताऊँ तो आपका ना अभी लो टियर है तो आप किल्स निकाल कर खेलो एंड थोड़ा बहुत बीच में होल्ड कर सकते हो, बट मैं यही बोलूँगा थोड़े बहुत किल्स निकाल के खेलो, 8 से 10 किल्स निकाल लोगे तो भी आराम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यार देखो आपको लो टियर पे थोड़े किल्स निकाल कर खेलने पड़ेंगे, क्योंकि यार लो टियर पे आपका इतना माइनस लगेगा नहीं, इजी रहेगा। एंड देखो प्रोटेक्शन कार्ड को बचा के रखना है, ये बात याद से रखना, एंड प्रोटेक्शन कार्ड को आपको ग्राउंड टियर पे यूज़ करना, उससे पहले प्रोटेक्शन कार्ड आपको यूज़ नहीं करना है।
एंड जैसे जैसे आपका हाई टीयर होगा ना वैसे वैसे मैं स्ट्रेटेजी बताता रहूँगा। लेकिन गाइज अभी के टाइम पे लो टीयर जब तक आपका लाइक डायमंड वन या फिर क्राउन नहीं लग जाता है तब तक आप आराम से क्यूज निकाल कर खेल सकते हो। एंड गाइज आपको ना अभी के टाइम पे थोड़ी लॉबी सस्ती सी मिलेगी, आपको पता ही होगा क्योंकि सीजन का स्टार्टिंग है एंड एक दो तीन दिन तक तो बिल्कुल भी आपको लॉबी ढंग की लाइक उस टाइप की नहीं मिलेंगी जहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदे अलाव हो लास्ट सर्कल में, तो वैसे लॉबी के लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा। जैसे जो लोगों का टीयर हाई होगा ना वैसे वैसे लोग है ना होल्ड करके खेलना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि यार माइनस का डर लगेगा एंड माइनस जब लगता है ना गाइस तो फटे में लोग खेलते हैं। तो लो टीयर पे आपका माइनस नहीं लगेगा, आप किल्स निकाल कर खेल सकते हो। जैसे जैसे आपका हाई टीयर होगा वैसे वैसे मैं स्ट्रैटेजी बताता रहूंगा आगे आने वाली वीडियोज़ में। अभी कैसे आगे साइड में जो कंपाउंड है ना यहाँ से मुझे स्प्रे का साउंड आया था थोड़ी देर पहले, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एंड वहाँ पे व्हीकल भी लगे थे एंड यहाँ पे जैसे मैं क्लोज में आता हूँ एक फुटस्टेप आ जाता मुझे, तो मुझे लगता है सामने साइड में कंपाउंड बंदा है लेकिन इतनी दूर से फुटस्टेप आ रहा रहता है तो मुझे डाउट भी होता है। तो एक बार के लिए मुझे लगता है शैक भी हो सकता है एंड यहाँ पे मुझे ऑल पोस्ट का साउंड आता है एंड बैकग्राउंड से इसकी नॉइज जो आ रही थी ना वो मुझे साउंड आ जाती है, तो मैं यहाँ पे मॉली ट्राई करता हूँ, मॉली बाहर गिर जाता है एंड इसके वास्ते मैं निकालता हूँ ग्रेनेड। एक बार के लिए लगता है कि शायद से मेरा वहम हो बट मैं सोचता हूँ ग्रेनेड ट्राई करने में क्या जा रहा है और जैसे मैं ग्रेनेड करता हूँ ये बंदा निपट जाता है एंड यहाँ पे गाइस एक किल निकाल लेता हूँ। अभी गाइस सर्कल के अंदर मैं आ चुका था एंड गाइस मुझे किल्स निकाल लेते हैं, तो मैं यहाँ पे ना जहाँ पे व्हीकल दिखते हैं मैं वहाँ पे जाकर राउंड मारता हूँ बट मुझे कोई बंदा स्पॉट नहीं होता है। एंड सोलो में यही सीन है कि एक बंदा यार रहता है एंड वो भी गलत वाला कैंप करके बैठ गया ना भाई। एंड आप अगर जा रहे लाइक एग्जांपल शैंक में फाइट ले रहा हूँ और कहीं घासों में स्टोन के आसपास जाकर लेट गया है तो भाई वहाँ से स्प्रे लेके आपको निपटा देगा, मतलब गलत ही स्ट्रैटेजी यूज़ करते लौंडे। व्हीकल लगाते शैंक के आसपास और जाके सो जाते घासों में लाइक पेड़ के आसपास या फिर स्टोन रहता उसके कवर में, तो भाई ऐसे ऐसे स्ट्रैटेजी यूज़ करने वाले लौंडे भी हैं तो ऐसे टाइम पर थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे चला था सबसे पहले तो इस कंपाउंड में एंड यहाँ पे वाइट लाइन को जोन टच होने का वेट कर रहा था और मैं ऊपर साइड में जाकर थोड़ा ट्राई करूँगा किल्स निकालने का क्योंकि आप सर्कल के अंदर तो बंदे आएंगे। अब यहाँ पे जोन बन चुका था नेक्स्ट वाला एंड साउंड साइड से मुझे व्हीकल की साउंड आती है, साउंड नहीं आती मैप में दिखता है। ये देखो गाइस अब एक बंदा जा रहा था, ये बंदा बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था एंड गाइस अब मैं यहाँ पे ना इस वाले बंदे पे कर देता हूँ पुश। लेकिन गाइस मुझे नहीं पता था मेरे साथ में सीन होने वाला है। अब राइट साइड से एकदम से गंदा वाला स्प्रे आता है, अब इतने में गाइस ये बंदा साउंड साइड से स्प्रे, फ्री फायर देते हुए मैं इस बंदे पे क्लोजिंग कर रहा हूँ एंड इस वाले बंदे को गाइस निपटा देता हूँ। लिटरली मुझे आइडिया नहीं था कि यहाँ पे ना पीछे से मेरे पे स्प्रे आ जाएगा और अगर गलती से मेरी व्हीकल का टायर फटता पीछे वाला तो बगी आपको पता है कि यार एक बार व्हीकल का टायर फट गया बैक साइड का तो यार आप तो अटक गए, तो यहाँ पे सीन हो जाता बट यहाँ पे अपन सर्वाइव कर जाते हैं। अब मुझे लगता है शैक के आसपास बंदा है एंड गाइस स्पॉट होता है मुझे वहाँ पे पेड़ के पास ही बंदा, लेकिन मेरे को ना थोड़ा सा वेट करना था इसको थोड़ा ओपन में आने का, लेकिन इसको शायद ही मुझे ये सोच के मैं स्प्रे ले लेता इस बंदे पे क्योंकि वो बंदा ना वहाँ से ना व्हीकल का डैमेज लाइक व्हीकल का टायर फोड़ रहा था और व्हीकल को डैमेज दे रहा था। फिलहाल वो बंदा कवर में जा चुका था एंड जोन यहाँ पे एक बार फिर से स्टार्ट हो चुका था। अभी कैसे यहाँ पे देखो 5 किल्स हो चुके थे एंड जो जोन था वो जा चुका था आगे साइड में, हो चुका था आउट ऑफ जोन और मेरी व्हीकल का टायर फट चुका था। तो मैं सोचता हूँ ये जो ओपन वाली जो व्हीकल है जिसको लाइक सेंटा यूज करता है वाली व्हीकल अगर मैं यूज करूंगा तो मेरे को ओपनली कोई बंदा स्प्रे लेकर डैमेज दे सकता है या फिर निपटा भी सकता है, तो मेरे को यार ये वाली व्हीकल थोड़ी रिस्की सी लगती है बट ओपनली 1-2-2 करके जाना मेरे को सेफ नहीं लगता और स्केट जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो थी तो स्केटिंग करके मुझे जाना सही नहीं लगता है। तो मुझे लगता है कि स्केटिंग से ज़्यादा वो वाली व्हीकल जो ओपनली लाइक थोड़ा स्पीड मिलेगा उसमें थोड़ा स्पीड ज़्यादा रहता है, तो ये सोच के मैं सोचता कि उस वाली व्हीकल से जाएंगे जोन में। बैक साइड के जो अपार्टमेंट में जो बंदे थे वो बंदे निकल चुके थे जोन के अंदर जा चुके थे, तो मुझे यहाँ पे लगता है स्मोक करके निकलने का ज़्यादा सही रहेगा टाइमिंग क्योंकि जोन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था तो सब लोग को जोन में जाना पड़ेगा। और यही सोच के मैं भी सोचता कि चलो अपना अपना जोन में निकलते हैं एंड आगे जाके सर्वाइव करेंगे। एंड गाइस यहाँ पे मुझे नहीं पता था कि जोन के अंदर बंदा बैठ कर मेरे पे फील्डिंग लगा कर बैठा हुआ था और एंड एक स्पेयर था गाइस जब तक मैं समझता तब तक तो मेरी पेटीएम पे बन जाती है, बट कोई बात नहीं गाइस यहाँ पे देखना ये था कि प्लस कितना मिलता मुझे इस वाले मैच में। और राइट तो 22 का प्लस मुझे मिलता है इस वाले मैच में। इस वाले आईडी गाइस 6 घंटे तो ऐसे खत्म होने वाले मेरे, तो यार मुझे एक पेट पुश आईडी चाहिए सोलो में, अगर किसी को रैंक पुश करवाना है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में एंड उस वाले आईडी का गेमप्ले में यूट्यूब पे अपलोड भी करूंगा क्योंकि कभी कभी ना मेरी मेन आईडी का 6 घंटे ऐसे खत्म हो जाएंगे तो मैं गेम प्ले निकाल ही नहीं पाऊंगा, तो यार आप लोग को भी मोटिवेट करना पड़ता है। तो यार दोनों आईडी को मैं लेकर चलने वाला हूँ इस सीजन, तो यार मुझे डीएम करो इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। एंड गाइस एक बात और,
मेरे डिवाइस की वजह से गाइज मैं स्ट्रीम नहीं कर पाया सुबह में, एंड गाइज मैं शाम में स्ट्रीम करने का प्लान है, तो यार 9 बजे तक आ जाना शाम के स्ट्रीम पे, कुछ भी पूछना डायरेक्टली चैट में मिलते हैं। तो मिलते हैं आज शाम की 8:30 बजे वाले लाइव स्ट्रीमिंग पे, तो तब तक ले गाइज मेरी तरफ से बाय बाय।